उस वक्त की कसम, उस वक्त की कसम, उस वक्त की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाजर हसन कियानी है और मैं इस्लामाबाद पुलिस में एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। मैं इससे पहले पाकिस्तान आर्मी SLG में अपनी खिदमत सर अंजाम दिया कि आप सेल्फ डिफेंस कोर्स को अवाम के अंदर ट्रेनिंग है वो 15 दिन की है। रोज़ाना 4 घंटे इसकी ट्रेनिंग होती है और 6 डे अ वीक टोटल इसके 15 डेज बन जाते हैं। तो इस दौरान हम स्टूडेंट्स को स्विमिंग, राइडिंग, ऑब्स्टिकल्स रिपेलिंग, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और लाइफ फेयर कराया जाता है। इससे बच्चों के अंदर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होता है और इस कॉन्फिडेंस के ज़रिए ही वो माशरे के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये सेल्फ डिफेंस कोर्स पेरेंट्स के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है। जवानों की जबान पर नाराए तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। मेरा नाम आमना यूसुफ है और मैं अभी दिसंबर वाले सेल्फ डिफेंस कोर्स का पार्ट हूँ। मेरा नाम अबू सुल्तान है और मैं भी दिसंबर वाले सेल्फ कोर्स का पार्ट हूँ। पहले दिन तो आने के बाद लग रहा था कि नहीं आना चाहिए था, नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, बहुत टफ ट्रेनिंग है। लेकिन अब 5 दिनों के बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी बहुत कुछ है जो हमने आगे जाके सीखना है। और आई वुड डेफिनेटली डेफिनेटली डू दिस अगेन। और यही दिल करे कि कोर्स ख़त्म ही ना हो, इतना मज़ा आ रहा है। एंड ऑल्सो आई रिकमेंड हर किसी को कि स्पेशली फॉर गर्ल्स के वो यहाँ पर लाजमी आएँ और आकर ये वाली ट्रेनिंग लाजमी अवेल करें, बिकॉज़
या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड कर देगा, आपको लाइक आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करेगा एक्चुअली में इसके अंदर. लाइक आप बहुत अच्छा फील करोगे आगे, शुरू में बहुत टफ है बट आगे जाके यू विल फील रियली गुड के या आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन की है यहाँ पर आकर. और सबसे बड़ी बात कि बहुत डिसिप्लिन सीखने को मिला है, टाइम की पाबंदी और हर सेल्फ कॉन्फिडेंस. जैसे गाड़ी चलाते हुए, अकेले चलते हुए एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि आप कर सकते हैं. आपको पता है कि मेरे साथ अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई इस तरह का केस होता है जिसको मैं पहले शायद खुद से टैकल ना कर सकती, उसको टैकल करना बहुत अच्छे से सीख लिया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंशाल्लाह बहुत कुछ और भी सीखेंगे अभी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माय नेम इज़ मरियम ज़िया एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट एंड आई बिलोंग फ्रॉम पेरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी. I saw the advertisement for the self-defense course from Islamabad Capital Police and I decided to take it, and it has been the best decision of my life. I'm extremely grateful to DIG Aves that he has given us the opportunity and the initiative to take this course because it has changed my life. I have my self-confidence and my self-esteem has increased greatly because of this course, and in the days that we live where danger is imminent for women everywhere, I recommend every woman that I know, whether she's career oriented, whether she is a housewife, whether she's young, whether she's middle aged, that she should take this course so that she can defend herself in any situation. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम उस्वा तारिक है ते मैं एम फिल फूड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हाँ. हाल ही दे विच पुलिस लाइन दे विच कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस कराए गए जिन्हां विचों एक वूमेन सैल्फ डिफेंस का कोर्स सीगा ते मैं उहदे विच भाग लिया सी. मेरा उहदे विच भाग लैण दा मकसद यह सी कि मैनू मुआशरे दे बारे च पता लगे ते मैनू पता होवे कि मैं इस मुआशरे दे विच किवें चलना है. ते इहदे नाल मैनू जिहड़ा फायदा होया मेरी ग्रूमिंग होई है, उस तों अलावा मैं अपने मेरे अंदर एक खुद एतमादी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है. ठीक है, उत्थे मैनू लॉ एंड ऑर्डर दे बारे च दस्या गया है, मैनू रिपेलिंग कराई गई है, मैनू फिजिकली स्ट्रोंग किया गया है, नाले मैनू मैंटली स्ट्रोंग किया गया है. ते जिहड़ियां भी खवातीन घरां विच ने, जॉब दे विच ने, जिहड़ियां स्टूडेंट्स ने, मैं उहनां सारिआं नूं यही रेकमेंड करांगी कि वह इस कोर्स दे विच आन ते अपने आप नूं पूर एतमाद ते अपने आप नूं सिक्योर आप बनान. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. ज़मान महानूर वकार दे ज़दा पेखबर हैं. द पेशावर यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टूडेंट टीम मैं अक्टूबर के इस्लामाबाद पुलिस सेल्फ डिफेंस कोर्स ज्वाइन का. द कोर्स में वजह जमा कि न सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड शो बल्कि जमा खौफ से आईडी रिंगम स्ट्रॉन्ग शो. द कोर्स न सिर्फ सासो कॉन्फिडेंस बिल्ड की बल्कि सासो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नमो शो. नन सवाल सिंह का मुल्क हालात दे जमा ख्याल हर जिन का पारा दादे ज्यादा जरूरी था कि जिंदगी का यूज द कोर्स. ओके, शुक्रिया. I think of you. I'm from Abbasin University Islamabad campus और हम लोग यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स आए हैं 8/11. यहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेनी थी और अभी हम लोगों ने पंच बनाना सीखा है और स्टांसेस सीखे हैं, पोजिशन सीखी हैं और अभी हम लोग रिपेलिंग करेंगे. और इधर आके हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है. ठीक है, हमने बहुत कुछ सीखा है कि इमरजेंसी के केस में आप फर्स्ट एड के बारे में हमने सीखा. ठीक है, अभी हम शूट करना भी सीखेंगे. ठीक है, इसके अलावा पंच कैसे मारते हैं अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाएँ फाइट के दौरान. तो जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत अच्छे थे, काफ़ी कॉर्पोरेटिव स्टाफ था और यहाँ आके बहुत इंजॉय किया. हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ है, हमें पता है कि हमने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड हेडक्वार्टर्स. बताएं इस्लामाबाद का ये नज़रिया कैसा लगा आपको? इस्लामाबाद पुलिस कैसे पहले कैसे पाया था इस्लामाबाद पुलिस को, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? इस्लामाबाद पुलिस का एक नज़रिया, एक पुलिस का जो एक नज़रिया हमारे मुल्क में रखा गया दैट इज़ वे टू वियर्ड, लेकिन यहाँ आके इट्स क्वाइट अमेजिंग. ये काफ़ी ज़्यादा इट्स लाइक नॉस्टैल्जिक क्योंकि मैं खुद नेवी से हूँ तो आई फील लाइक आई एम बैक इन माई चाइल्डहुड एज. इट्स रियली और काफ़ी अच्छा लगा हमें पुलिस का ये रूप. आइंदा कोर्स के लिए आप लोग क्या मशवरा देंगे? हम रिकमेंड भी करेंगे अपने पैलेस को. मैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ऑफर करता सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर रही हूँ और हमें 5 दिन लगते हैं और यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जैसे कि PT करवाई जाती है जिससे हमारा स्टेमिना बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है. मार्शल आर्ट्स करवाए जाते हैं, हमें सेल्फ डिफेंस की बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई जाती हैं और इस्लामाबाद पुलिस का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये मज़ीद ऐसे कोर्सेज होने चाहिए और इनकी लेंथ भी इंक्रीज़ होनी चाहिए. लाइक अभी 15 डेज़ का कोर्स है तो ये मज़ीद लाइक 1 मंथ का भी होना चाहिए. एंड इंस्ट्रक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्प करते हैं एंड डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अच्छी बात है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है एंड आई एम वेरी हैप्पी.
कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जबान पर नाराए तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की।
जवानों का ये जज्बा उनके ईमान की निशानी है, वतन बाकी रहे ये जिंदगी तो आनी जानी है, यही अल्लाह के शेरों का, यही अल्लाह के शेरों का तर्ज जिंदगानी है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त जवानों की जुबान पर नारा तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, 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 जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जबान पर नाराए तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जवानों का ये जज्बा उनके ईमान की निशानी है, वतन बाकी रहे ये जिंदगी तो आनी जानी है, यही अल्लाह के शेरों का, यही अल्लाह के शेरों का तर्ज जिंदगानी है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जुबान पर नाराए तकबीर आता है। कसम उस वक्त की, 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 जब वक्त हमको आजमाता है, जवानों की जबान पर नाराए